हेलो एवरीवन, जी सर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं ईएडी परिवार में। और मेरे साथ में हैं यूपीपीसीएल में जेई वैभव जी। तो वैभव जी, आपका ईएडी परिवार में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप वैभव जी? वैभव थैंक यू सर। बढ़िया है जी, सर, अपने बारे में थोड़ा सा कुछ धन्यवाद एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर। मैंने 2013 में डिप्लोमा किया था, फिर उसके बाद से हम लोग सर ऐसे ही तैयारी वैयारी कर रहे थे, प्राइवेट नौकरी भी करी बीच में। फिर अचानक से सर एक दिन ऐसे यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हुए आपका क्लास दिखा हमको। तो मुझे उस समय पता नहीं था सर कि ये कोचिंग भी है या फिर कुछ भी, तो बस ऐसे ही वीडियो देख रहे थे सर। वहीं से तैयारी की फिर प्रेरणा मिली, फिर हमने वहां से तैयारी शुरू की बकायदे जैसे सर आपके मार्गदर्शन में। वैभव जी, तैयारी की शुरुआत आपने कब की थी? सर तैयारी की शुरुआत तो वैसे तो सर हम लोग 2014 या 15 से तैयारी की शुरुआत कर रहे थे, तैयारी चल रही थी सर। लेकिन सीरियसली जो तैयारी हुई सर वो हुई हमारी 2019 से सर, अप्रैल 2019 से, जब मुझे मैंने फर्स्ट टाइम जब यूट्यूब पे देखा सर आपको, उसके बाद से तैयारी की शुरुआत हुई सर। ओके, चलिए, धन्यवाद। पहले जी आपने आपने हमें यूट्यूब पे देख के तैयारी शुरुआत की। वैभव जी जी, प्रतिदिन आपका टाइम टेबल क्या था पढ़ाई करने का? सर टाइम टेबल यही था। हम जैसे अलग अलग, जैसे बी हो गया, मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, तो इनको सर सबको एक साथ ही लेके चलते थे। दो दो तीन तीन घंटे, मतलब 7-8 घंटे डेली के ही थे सर। अपना वीडियोस देखते थे और उन्हीं वीडियोस से नोट्स बनाते थे। फिर शुरू शुरू में तो ज़्यादा समय लगा, फिर सर नोट्स वोट्स जब हमारे बन गए फिर हम उससे रिविजन करते गए और टेस्ट देते गए सर। वेरी गुड। वैभव जी, ये बताइए कि जो सवाल है वो आजकल बच्चों के लिए बहुत ही खास सवाल बन चुका है, और उस सवाल को मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इस चीज़ को लेकर। आप जब तैयारी करते थे, आप ज़्यादा फोकस थ्योरी पर करते थे या ऑब्जेक्टिव पर करते थे? सर ऑब्जेक्टिव पे बहुत ज़्यादा फोकस करने का कोई वो नहीं है, क्योंकि अगर आपका थ्योरी और बेसिक, अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर ऐसे क्लियर हैं तो फिर ऑब्जेक्टिव तो आप कैसे भी कर ले जाओगे। तो ऑप्शन के चक्कर में या फिर इस तरह से ऑब्जेक्टिव पे तो कोई बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था सर। थ्योरी ही ज़्यादा पढ़ते थे, फिर उसके बाद अपना पेपर वगैरह टेस्ट वेस्ट देते रहते थे, तो फिर वो क्लियर हो जाता था। फिर उसमें ऑब्जेक्टिव करने में अगर कोई दिक्कत आई तो उसे नोट डाउन कर लिया सर, जैसे आप हमेशा बताते रहे हैं वीडियोज़ में भी अपने, फिर उसको नोट डाउन कर लिया, या फिर उसको वहां पे अपने नोट्स में नोट कर लिया, या फिर वहां से देखा कि उसमें क्या है, क्या कमी रह गई, फिर उसको ऐसे करते थे। तो सर ऐसे ही क्वेश्चन होते थे, इसका ओके, फायदा सर एग्जाम में भी मिला मैंने ये सवाल इसलिए जी। पूछा क्योंकि आजकल जब बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो एक अलग अलग सा ही माहौल है कि वीके मेहता लगा लीजिए, गुप्ता जी की किताब कर लीजिए, सर यूथ की किताब कर लीजिए, कोई थ्योरी की तरफ फोकस ही नहीं करता। तो आपने बड़ा सही गाइड किया कि थ्योरी पहले नहीं अगर सर, अच्छे इसका से कोई मतलब क्लियर नहीं है, है सर। जी थ्योरी अगर क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव अच्छे से हो जाएगा। हो ही जाएगा सर, थ्योरी क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव खुद ही हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। वैभव जी, पेपर से पहले दबाव को कुछ दबाव फील होता था या कुछ नर्वस थे या कुछ डर लगता था पेपर से पहले? जी सर, नर्वसनेस तो थी ही पेपर से पहले सर, नर्वसनेस तो हमेशा ही रहती है, तो वो नर्वसनेस तो थी सर। उसके लिए बस यही थोड़ा सा अपना ध्यानवान लगा लिए, बाकी अपना टेस्ट वेस्ट देते रहते थे सर, और ज़्यादा इधर उधर के चक्करों में नहीं पड़ते थे। जैसे हम लोग थे सर तो वीडियोस में बहुत ये वो तो बहुत कुछ नहीं सर, जो नॉर्मली था अपना क्विक रिविजन किया करते रहते थे। एग्जाम के एक दिन पहले तक भी क्विक रिविजन ही चला, उसका सबसे ज़्यादा फायदा मिला सर। क्विक रिविजन सबसे ज़्यादा फायदा सर उसी का मिला, क्योंकि फिर वो एग्जाम में हमारी ह्यूमन एरर भी उसी से कम होती है सर, तो वेरी गुड, वेरी उससे गुड। हमारी ह्यूमन एरर भी कम होती है। आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया? सर एक आपकी वीडियोस आई थी मैंने देखा था सर, उसमें आपने बताया था कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो मैं बताना चाहूंगा सर। उसमें ये था कि सबसे पहले ये था कि आप शुरू करिए क्वेश्चन नंबर 1 से, ये मत देखिए कि मैं पहले जीके कर लूँ या हिंदी कर लूँ या कुछ भी कर लूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से करिए और उसमें करते जाइए। बस पहले स्लॉट में आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जिस पे आप बिल्कुल ही क्लियर हो,
कि मुझे आ ही रहा है, ये इसका आंसर यही होगा, मुझे पता है, मुझे कोई डाउट नहीं है, तो पहले आप 1 घंटे में, 1.25 घंटे में या 1.5 घंटे लगता है उसको करने में, फिर दोबारा से आते गए, दोबारा से हमने जो किया है उस पर भी एक नजर रख लिए, तो ये भी हो जाता है सर कि इसका आंसर ये भी होगा, गलती से हमने सी कर दिया है, तो ये एरर भी खत्म हो जाती है, और फिर हमने उस पर थोड़ा सा जो इस क्वेश्चन को हमने छोट रखा था तो थोड़ा ध्यान दे के उस पर कर लिया, फिर दोबारा तीसरी बार में आए, या ये लगता था कि ये क्वेश्चन तो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो तीसरी बार में उस क्वेश्चन पे 5 मिनट 10 मिनट या जिस पे भी जितना समय बन सकता था वो हमने उस क्वेश्चन पे उतना समय दिया, फिर ऐसे ही था सर, मैंने और यही आज स्टडी सही भी है। वैभव जी, अच्छी बात यह है कि आज मैंने 4 बच्चों से बात की है, और चारों स्टूडेंट ने, जब भी मैंने सवाल किया है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट किया, 4 के 4 ने मुझे सेम आंसर दिया है कि वो वीडियो देखी थी तो चलो अब मुझे फील हो सर रहा है कि वो वीडियो देना सफल हो गया कहीं ना कहीं वो वीडियो बहुत सफल हुआ, हम लोग जब ट्रेनिंग में थे सर तो उस समय बहुत सारे लोग, हम लोग आपस में कभी बात करते थे कि मतलब तुमने कैसे अटेम्प्ट किया या तुम्हारा करने का क्या तरीका था, सर 90% बच्चों का यही पैटर्न था उसको पेपर अटेम्प्ट करने का। थैंक यू डियर वैभव जी जी। जो सर, लोग, जो विद्यार्थी अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं, जिन लोगों ने तैयारी शुरुआत की, उन विद्यार्थियों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? सर सलाह बस यही है कि बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव के चक्कर में नहीं पढ़ना है, अपना थ्योरी पढ़ते रहो, उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स हैं करते रहो, अपने बेसिक चीजों को भी बहुत ज्यादा, ये भी नहीं कि बहुत कोई बहुत ऊपर की चीज, अपने बेसिक चीजों को ही, क्योंकि एग्जाम में बहुत बड़ी चीजें नहीं पूछी जाती हैं, छोटी चीजें जो हम छोड़ के जाते हैं वही पूछते हैं वो, तो उन चीजों पर बस फोकस करते रहिए। अगर आपका सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्टिव पढ़ लिया अच्छे से, अच्छी किताबों से, अपने नोट से, तो फिर ऑब्जेक्टिव आपका खुद ही हो जाना है, वो ऑटोमेटिक, वो एक प्रोसेस है, वो खुद ही हो जाएगा, तो उसमें कुछ करने के लिए एक्स्ट्रा जरूरत ही नहीं है। तो यही है सर कि अपना थ्योरी ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पे फोकस करें, नोट्स बनाए अपने, वीडियो से नोट्स बनाए और क्विक रिविजन करते रहें सर, क्योंकि फिर एग्जाम में सिलेबस काफी बड़ा है तो भूले ना, इसके लिए क्विक रिविजन तो बहुत जरूरी है सर, आप भी हमेशा बताते रहे थे, क्विक रिविजन करते रहे अपना नोट्स बना के, शुरू में तो समय लगता है लेकिन बाद में वो चीजें आसान हो जाती हैं। तो क्विक रिवीजन पे तो आपका ज़्यादा फोकस भी है, मेरा भी हमेशा रहता है कि क्विक रिवीजन बच्चे को जी एग्ज़ाम तक सर करते रहना है। बिल्कुल सर, और एग्जाम तक करते रहेंगे। बिल्कुल वैभव जी, एक बात बताइए, जब आपने तैयारी की शुरुआत की थी, आपने कहा कि सीरियसली जो तैयारी शुरुआत की थी वो 2019 से शुरुआत किया था, उस समय जी आपने सर, क्या सोच के साथ में आपने तैयारी की शुरुआत की? सर सोच ये थी कि हम सर हम हमें पास आउट किए हुए काफी टाइम हो गया था, तो नए बच्चों के साथ तो फाइट करना वैसे भी बहुत डिफिकल्ट था, तो बस ये था सर कि सिलेक्शन हो चाहे मत हो, मतलब मुझे एग्जाम के बाद कोई अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने मेरी तैयारी में कोई कमी रह गई, तो सर यही सोच थी कि मुझे बस पेपर अच्छे से देना है, सिलेक्शन होना ना होना तो भगवान के हाथ में है, बस हमें पेपर अच्छे से देना है, पेपर अटेम्प्ट करना है अच्छे से, अपना बेस्ट देना है उसमें सर, रियली मैं यार बस बहुत यही मस्त थे। बात जी करी है आपने ये, कि आजकल एक माहौल है, जैसे बच्चा सोचता है कि मैं तो 6 महीने तैयारी करूंगा, नौकरी मिल जाए। तो मुझे सबसे बढ़िया पॉजिटिव चीज़ ये लगी कि आपने ये कहा कि मुझे ये परवाह नहीं थी कि सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन पेपर इतने मस्त तरीके से सर देना है कि बाद में पछतावा ना हो कि होना था नहीं होना था, लेकिन मुझे बिल्कुल बिल्कुल पेपर सर, तरीके से देना है। बिल्कुल मैं तो नए विद्यार्थी को भी बिल्कुल यही सर, कहूंगा कि आप लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है कि आजकल आप लोग छोटे छोटे टेंशन लेकर या 6 महीने का टाइम रखकर, 1 साल का टाइम रखकर टेंशन लेते हो कि मेरी नौकरी नहीं लगी, मेरा सर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको सीखने की आवश्यकता है वैभव से, कि ये मत सोचिए रिजल्ट क्या होगा, अपना पढ़िए और अपने पेपर को मस्त करने की कोशिश करिए। वैभव जी, आपके बिल्कुल साथ सर, में हमें ये तो 7-8 साल सेशन लग करके, गए। आपके साथ में रियली में सेशन करके बहुत मज़ा आया, और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा बातें करने के लिए, अपने स्टूडेंट के साथ में, अपने विद्यार्थी के साथ में बहुत सारा टाइम चाहिए होता है, मैं कितनी भी देर तक बातें कर सकता हूँ। तो अपना, जी सर बिल्कुल, आपके आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यही बाबा केदारनाथ जी से प्रार्थना है कि थैंक यू आपको सर, जीवन थैंक में ऐसी ही खुशियाँ और यू सर, सफलता मिलती रहें, और आप ऐसे ही अपना जल्दी जल्दी से प्रमोशन मिलते रहे, आगे भी तरक्की करते रहें। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, सर प्रणाम। ओके जी।